हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम कंप्लीट स्विच बोर्ड वायरिंग किस तरह की जाती है आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के स्टूडियो में हम स्विच बोर्ड के हर एक कंपोनेंट का कनेक्शन काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं, जैसे फ्यूज कनेक्शन किस तरह किया जाता है, इंडिकेटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, स्विच सॉकेट कनेक्शन किस तरह किया जाता है, फैन रेगुलेटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, बल्ब होल्डर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, और हमारे घरों में जो कनेक्टेड लोड होता है उनका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, उन तक हाफ वायर किस तरह लेकर उन्हें ऑपरेट किया जाता है। आज के स्टडी में हम स्विच बोर्ड कनेक्शन के हर एक कंपोनेंट का कनेक्शन काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपका स्विच बोर्ड कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले। यदि आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास यह जो फ्यूज होता है उसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और प्रोटेक्शन के लिए कनेक्ट करते हैं, ताकि कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट हो या फिर हमारे यहाँ कोई फॉल्ट हो तो उस कंडीशन में यह फ्यूज बर्न्ट हो जाता है और हमारे घर के कंपोनेंट सेफ हो जाते हैं। और जो इंडिकेटर होता है इसे हम नॉर्मली इंडिकेट के लिए कनेक्ट करते हैं, ताकि हमारे घर में पावर आ रही है या नहीं हम यहाँ पर चेक कर सके। चलिए कनेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल कनेक्शन समझना होगा। न्यूट्रल देखिए, हमें इस बल्ब होल्डर में कनेक्ट करना है, 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट करना है, 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट करना है, और हमारे घरों में जो इक्विपमेंट है वहां तक हमें न्यूट्रल लेकर जाना है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए, हमारे सर्किट ब्रेकर में फेज एंड न्यूट्रल इनपुट कनेक्शन यहां पर आ रहा है, और सर्किट ब्रेकर के आउटपुट से देखिए यहां से फेज और न्यूट्रल हमें मिला है, जिसे हम स्विच बोर्ड तक लेकर गए। देखिए यहां पर जो ब्लू वायर है वो न्यूट्रल के लिए है और जो रेड वायर है उसे हमने फेज के लिए कनेक्ट किया है। जैसा कि हमें न्यूट्रल इस इंडिकेटर में कनेक्ट करना है, इस बल्ब होल्डर में कनेक्ट करना है, और 2 पिन सॉकेट एंड 5 पिन सॉकेट में हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन न्यूट्रल आया है उसे 5 पिन सॉकेट में जहां हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है आप पहले रीड कर लीजिए। देखिए यहां पर हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और यहीं से हमें सभी जगह न्यूट्रल लेकर जाना है। तो यहां पर हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है, यहां से न्यूट्रल को देखिए 2 पिन सॉकेट में हमें कनेक्ट कर देना है। तो 5 पिन सॉकेट एंड 2 पिन सॉकेट में न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। यहीं से हमने एक कनेक्टर और कनेक्ट किया है और इसे इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है, और इंडिकेटर से एक कनेक्टर हमें बल्ब होल्डर तक लेकर जाना है। देखिए इस तरह से यहां पर इंडिकेटर में भी न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। इंडिकेटर में हमें न्यूट्रल एंड फेज डायरेक्ट कनेक्ट करना होता है। देखिए यहां पर बल्ब होल्डर में भी आप किसी भी एक सिरे पर न्यूट्रल कनेक्ट कर दीजिए। देखिए हमारा न्यूट्रल कनेक्शन यहां पर कंप्लीट होता है। अब हमारे पास ये जो दो बल्ब है आप न्यूट्रल यहां से स्विच बोर्ड से भी ले जा सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी से भी ले जा सकते हैं। जहां से आपको वायर कम यूज हो वहां से आप यहां पर न्यूट्रल ले जा सकते हैं। देखिए यहां से हम सर्किट ब्रेकर के आउटपुट से न्यूट्रल का एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए न्यूट्रल यहां पर कनेक्ट किया है और इसे हमें दोनों बल्ब तक लेकर जाना है। तो यहां पर हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं जिससे फर्स्ट बल्ब से सेकंड बल्ब तक हमारा न्यूट्रल आ जाएगा। देखिए यहां पर हमें बल्ब होल्डर में इस तरह से दो टर्मिनल होते हैं, तो किसी भी एक टर्मिनल में आप न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहां पर न्यूट्रल कनेक्ट किया है और यहीं से हमारे पास जो सेकंड बल्ब है इसमें भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से हमारे दोनों बल्ब में भी न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है और हमारे स्विच बोर्ड के जितने भी कंपोनेंट थे सभी में हमारा न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। अब हमें फेज कनेक्शन समझना है। देखिए ये हमारे पास जो रेड वायर आया है ये फेज वायर आया है और हमने यहाँ पर फ्यूज कनेक्ट किया है। तो जो फेज होता है सबसे पहले फ्यूज में कनेक्ट किया जाता है, ताकि कोई भी फॉल्ट आए तो यहाँ से हमारा फ्यूज से सभी हमारे प्रोटेक्शन जो है वह सेफ हो सके। देखिए इनपुट में फेज कनेक्ट किया है, फ्यूज के आउटपुट से हमें एक वायर लेना है और इसे इंडिकेटर में डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है, जिससे हमें इंडिकेट होता रहेगा हमारे स्विच बोर्ड में फेज आ रहा है। देखिए यहाँ से एक वायर हमने स्विच में कनेक्ट किया, हमारे इंडिकेटर में कनेक्ट किया है, इंडिकेटर में न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है और फेज यहाँ से आ जाएगा,
और जितने भी स्विच है सभी स्विच में हमें फेस की लूपिंग नीचे की तरफ कर देना है। देखिए इंडिकेटर से हम एक कनेक्टर पहले कनेक्ट कर लेते हैं, उससे हमारे पास जितने भी स्विच है सभी स्विच में हमें नीचे की तरफ फेस वायर को कनेक्ट करना है। देखिए इंडिकेटर कनेक्शन कंप्लीट होता है, यहाँ से हमारे पास बल्ब होल्डर के लिए जो स्विच है यहाँ पर देखिए एक कनेक्टर हमने और कनेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर बल्ब होल्डर के स्विच में भी फेज आ चुका है। यहाँ से फैन के लिए जो हमारा स्विच है यहाँ पर फेज वायर को कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास फैन के लिए जो स्विच है यहाँ पर भी फेज वायर आ चुका है और कनेक्शन को आप फुल टाइट कीजिएगा, कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते जो कि टू पिन सॉकेट के लिए फेज है और यहीं से फेज हमें नीचे भी लेकर जाना है सभी स्विच में। एक कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है, देखिए यहां से हमारे टू पिन सॉकेट के स्विच में भी फेज आ चुका है। यहां से फाइव पिन सॉकेट के लिए जो स्विच है यहां पर फेज कनेक्ट हो जाएगा और जो लास्ट दो स्विच है वो हमारे पास बाहर हमने जो दो लाइट कनेक्ट किया है उनके लिए हमने दो स्विच कनेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइट के लिए हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है और सेकंड लाइट के लिए इस तरह से जो दो स्विच है दोनों स्विच में नीचे की तरफ हमें फेस कनेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी स्विच है सभी स्विच में नीचे की तरफ फेस की लूपिंग हो चुकी है, आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फ्यूज से हमने एक कनेक्टर इंडिकेटर में दिया है, यहाँ से देखिए इस स्विच में आया है, यहाँ से फैन के, यहाँ से टू पिन सॉकेट, फाइव पिन सॉकेट और हमारे दोनों बल्ब के स्विच में फेस आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमारा फ्यूज और इंडिकेटर का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से देखिए हमारे बल्ब होल्डर में न्यूट्रल डायरेक्ट आया है और जो स्विच है उसमें फेज नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो स्विच का जो मेन फंक्शन होता है कटअप का होता है। देखिए स्विच को ऑन किया जाएगा तो फेज यहाँ पर आएगा और यहाँ से हमारे बल्ब होल्डर में आ जाएगा। अब स्विच को जब ऑन ऑफ किया जाएगा तो फेज यहाँ से कट हो जाएगा जिससे हमारा जो बल्ब है वो ऑन ऑफ होता रहेगा। देखिए हमारे पास इस स्विच और बल्ब होल्डर का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें टू पिन सॉकेट का कनेक्शन समझ लेना है। देखिए टू पिन सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है और स्विच में फेज नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो फेज यहाँ पर आएगा जिससे हमारे टू पिन सॉकेट में भी यहाँ पर फेज कनेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से तो हमारे टू पिन सॉकेट का कनेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस स्विच के जरिए हम टू पिन सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। फाइव पिन सॉकेट का कनेक्शन भी सेम होता है। देखिए न्यूट्रल हमारे सॉकेट में डायरेक्ट आ रहा है और फेज स्विच में आ रहा है। देखिए यहीं से हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो ये फेज यहाँ पर आएगा और इसे हमें सॉकेट में कनेक्ट कर लेना है जिससे हमारे फाइव पिन सॉकेट की जो कंट्रोलिंग है स्विच के जरिए हो जाएगी और फाइव पिन सॉकेट का कनेक्शन भी कंप्लीट होता है। यदि आप अर्थिंग कनेक्ट करना चाहें तो अर्थिंग भी आप टॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा फाइव पिन सॉकेट का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब हमारे पास जो दो स्विच बचे हुए हैं उनका कनेक्शन और फैन रेगुलेटर कनेक्शन करना है। फैन रेगुलेटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और इसमें हमें दो वायर मिलते हैं। तो आप किसी भी एक वायर को लेकर स्विच में जो ऊपर वाला सिरा है वहां पर कनेक्ट कर दीजिए। देखिए नीचे अभी फेज आ रहा है, जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा फेज यहाँ पर इस वायर में आएगा और जो सेकंड वाला वायर है इसे हमें जो फैन तक हाफ वायर जाता है उस वायर में कनेक्ट कर देना है। जो फैन रेगुलेटर होता है उसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ से इस फैन की स्पीड इस रेगुलेटर के जरिए कंट्रोल होगी। हमने रेगुलेटर को सीरीज में कनेक्ट किया है। अब इस स्विच से देखिए हमें इस स्विच से इस लाइट को कंट्रोल करना है और इस स्विच से हमें इस लाइट को कंट्रोल करना है। दोनों स्विच में अभी फेज वायर नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखिए हम एक कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस स्विच को ऑन किया जाएगा तो फेज यहाँ से इस बल्ब तक जाएगा। अब सेकंड बल्ब के लिए भी हमें कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है और जैसे इस स्विच को ऑन किया जाएगा तो हमारा फेज इस बल्ब तक आ जाएगा। और बल्ब होल्डर में हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है और जो फेज है वो स्विच के थ्रू आने वाला है। देखिए इस तरह हमें दोनों वायर ले लेना है। अब इसे हमें देखिए इस बल्ब होल्डर में न्यूट्रल डायरेक्ट आया है और जो दूसरा सिरा बचा है वहां हमें फेज वायर कनेक्ट कर देना है जिससे हमारा यह जो बल्ब है उस स्विच के जरिए ऑन ऑफ होता रहेगा। काफी सिंपल है।
अब हमारे पास जो दूसरा वाला बल्ब बचा हुआ है इसमें भी न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है और फेज स्विच के जरिए आया है, तो इसमें देखिए हमने यहाँ पर कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है जिससे ये बल्ब हमारा स्विच के जरिए कंट्रोल होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा स्विच बोर्ड की वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। किस तरह वर्क कर रहा है हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही हम सर्किट ब्रेकर को पहले ऑन करते हैं, देखिए इंडिकेटर ग्लो हो चुका है, दैट मीन स्विच बोर्ड में अभी सप्लाई आ रही है। अब देखिए इस स्विच के जरिए लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। अब इस स्विच के जरिए हमारी इस लाइट ने ऑन होना चाहिए, देखिए ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब देखिए हमारे पास जो टू पिन सॉकेट है इसमें अभी कोई फेज नहीं आ रहा है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा, देखिए स्विच को ऑन करते यहाँ पे टेस्टर ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स इस टू पिन सॉकेट के कटअप इस स्विच के जरिए हो रहा है। फाइव पिन सॉकेट में भी देखिए जैसे स्विच को ऑन किया यहाँ पर टेस्टर ग्लो हो रहा है, तो फाइव पिन सॉकेट भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब देखिए इंडिकेटर का कनेक्शन यहाँ हमने फैन कनेक्ट नहीं किया है, इस स्विच के जरिए देखिए ये बल्ब हमारा यहाँ पर ऑन ऑफ होगा, देखिए इस तरह से, तो हमारा इस स्विच के जरिए बल्ब भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब देखिए कोई फॉल्ट आने पर यदि हमारा फ्यूज उड़ता है या ब्लो होता है तो उस कंडीशन में हमारे सभी लोड ऑफ हो जाएंगे, देखिए इस तरह से। देखिए अब इसे हमें फ्यूज को कनेक्ट कर देना है, तो हमारा फ्यूज भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह कंप्लीट स्विच बोर्ड वायरिंग की जाती है, किस तरह टू पिन सॉकेट, फाइव पिन सॉकेट, फैन रेगुलेटर कनेक्शन एंड हाउस लोड कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।